हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं और ये एप्लीकेशन है स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिखी जाती है क्या करने के लिए, टीसी, एप्लीकेशन फॉर टीसी। टीसी का मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए, या SLC का मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या मार्कशीट, स्कूल से मार्कशीट लेनी हो अपने नंबरों वाली, अंकों वाली, DMC डिटेल मार्कशीट, ये भी वही होती है। करेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो, चरित्र प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना हो, अस्थाई, यानी जब तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती तब तक एक अस्थाई सर्टिफिकेट होता है कुछ समय के लिए, उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपने स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से लेना हो तो ये एप्लीकेशन लिखी जाती है। एक बार दोबारा देखें, एप्लीकेशन फॉर टीसी। टीसी का मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मान लिया आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, तब आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना होता है, उसको टीसी बोलते हैं। आप किसी एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और उस स्कूल को छोड़ करके दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC का मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मार्कशीट का मतलब आपने जो एग्ज़ाम दिए उस एग्ज़ाम में आपके कितने नंबर आए, नंबरों की का जो सर्टिफिकेट होता है वो। DMC भी वही होती है, डी से डिटेल मार्कशीट, यानी आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें कितने अंक प्राप्त किए वो मार्कशीट बोलते हैं उसको। करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका चरित्र कैसा है स्कूल में उसका। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है अस्थाई सर्टिफिकेट, यानी जब तक आपको असली सर्टिफिकेट ना मिले तब तक आपको फॉर्म भरना हो या कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेना हो तो ये सर्टिफिकेट चलता है, उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी आपने लेना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर टू द प्रिंसिपल। हेडमास्टर को लिखना हो तो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस हो तो हेडमिस्ट्रेस, नीचे स्कूल का नाम, जैसे ये स्कूल का नाम है YBVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और वो स्कूल कहाँ पर है, फिर उस जगह का नाम, जैसे ये स्कूल खरकड़ी झांवरी में, तो ये होगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर वही है किस चीज़ के लिए, फॉर SLC है, TC है, मार्कशीट के लिए है, DMC के लिए है, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए है, एक लिखो जिसके लिए भी आप ले रहे हो। उसके बाद सर या मैम, जो भी आपको लिखना, तो आप लिखोगे कि आप कौन सी क्लास के विद्यार्थी थे इस स्कूल में। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ, ये आगे खाली जगह है, यहाँ पर आप क्लास लिखोगे जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट थे, जिस भी क्लास की आप मार्कशीट लेनी हो, जिस भी क्लास की आपने TC लेनी हो, जिस भी क्लास का आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना हो वो क्लास लिखोगे। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ खालिस्तान क्लास, मैं इस क्लास का विद्यार्थी था ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का। नाउ अब आई वांट, मैं चाहता हूँ टू टेक एडमिशन, दाखला लेना, टू टेक मीन लेना, एडमिशन में दाखला, इन अनदर स्कूल, दूसरे स्कूल में या दूसरे कॉलेज में। अब मैं दूसरे स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ। आल दो मैंने यद्यपि, योर स्कूल हैज़ टॉट मी ए लॉट, यद्यपि योर स्कूल हैज़ टॉट मी ए लॉट, यद्यपि आपके स्कूल ने मुझे, ए लॉट माने बहुत कुछ, टॉट माने पढ़ाया है, सिखाया, यद्यपि आपके स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, येट फिर भी आई हैव टू लीव दिस स्कूल, फिर भी मुझे ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना है, फिर भी मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। आई विल ऑलवेज कीप योर लर्निंग्स इन माई माइंड, मैं हमेशा आपने जो मुझे लर्निंग्स दी हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, उनको मैं हमेशा मेरे दिमाग में रखूंगा, या आपकी शिक्षाओं का मैं हमेशा पालन करूंगा। कीप इन माइंड का मतलब होता है पालन करना, तो मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा। प्लीज़ कृपया इश्यू मीन जारी करना, इश्यू मी मुझे जारी करें माई SLC लेना हो तो SLC लिख दो, TC लेना हो तो TC लिख दो, मार्कशीट लेनी हो तो मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना हो तो प्रोविजनल, करेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो तो करेक्टर,
ये सारे नहीं लिखने जो यहाँ इसमें लेटर में आपको दिखाए गए हैं, जो लेना हो वही लिखोगे। ये तो सारे तो इसलिए दिखाए हैं कि ये इनमें से कोई भी हो तो इसी तरह लिखा जाएगा। तो आप इस तरह से लिखोगे, आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँगा, योर्स ओबीडेंटली, नीचे नाम, क्लास, रोल नंबर और डेट। तो ये आपका लेटर है जो आप लोगों ने लिखना है प्रिंसिपल या हेडमास्टर को। यदि इन ऊपर दिए गए किसी भी सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत हो तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जय हिंद।